1945 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पैदा हुए राजेश पायलट मूलतः किसान परिवार से आते हैं। मेरठ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट राजेश की दिली तमन्ना सेना में भर्ती होने की थी। उनकी मेहनत रंग लाई और 29 अक्टूबर 1966 को उन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन मिल गया। 12 मार्च 1974 को उनका विवाह रमा पायलट से हो गया। वायुसेना में ऊंची उड़ानें भरते भरते अचानक राजेश पायलट को राजनीति में छलांग लगाने की सूझी और नौकरी से इस्तीफा देकर वे जा पहुंचे श्रीमती इंदिरा गांधी की शरण में। उनकी किस्मत ने साथ दिया और 1980 में पायलट पहली बार भरतपुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 1984 में वे एक बार फिर विजयी हुए और सितंबर 1985 में राजेश पायलट को राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में बतौर भूतल परिवहन राज्य मंत्री शामिल कर लिया। 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर में वे चुनाव हार गए, लेकिन 1991 में हुए मिड टर्म पोल में वो तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, साथ ही राव मंत्रिमंडल में संचार राज्य मंत्री भी। जनवरी 1993 में प्रधानमंत्री ने उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाकर आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सौंप उनकी हैसियत में इजाफा कर दिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजनीति में आने से पहले उनका नाम राजेश्वर प्रसाद था। सुना कि आप यहाँ जितने बंगले थे मंत्रियों के अफसरों के वहाँ दूध बांटा करते थे साइकिल पे जा जाके। सारों में तो नहीं क्योंकि इतने सारे बंगलों में कहाँ बांधा करता बांटता मैं, लेकिन ये बात सही है। प्रोफेसर रंगा उन दिनों में एमपी होते थे और ये 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहते थे, जो मुझे अब मोटा मोटा याद है। और जिस डेरी में मैं रहता था वो रकाबगंज रोड पर 112 नंबर कोठी है, उसमें हम रहते थे। तो इन सब के मैं गया हूँ। इकबाल सिंह एक डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे एग्रीकल्चर के उन दिनों में, एक बिहार के ही थे सुभाग सिंह जी, डॉक्टर सुभाग सिंह, इन ऐसे मोटे मोटे नाम याद हैं। तो ये बात सही कि इस इलाके में जहाँ आज मैं रह रहा हूँ इन कोठियों में दूध दिया करते थे, पार्लियामेंट के कैंटीन में भी। तो दूध बेचते बेचते आप पायलट कहाँ से बन गए? दूध बेचते थे डेयरी में, तो उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी की दिल्ली से और एमबी हायर सेकेंडरी स्कूल से। अब उसमें नंबर बहुत कम आए, उन दिनों में 33% पे पास हो जाया करते हैं, मेरे 36% ही थे तो दिल्ली में तो दाखिला मिलना नहीं था 36% पे, तो मैंने मेरठ जाके एडमिशन ली। वक्त होता है ज़िंदगी का, कभी कोई काम करो सब सफलता नज़र आती है, कभी कितनी मेहनत करो तो भी नहीं मिलती है। वो मेरे ख्याल में 63 का साल एक बहुत ही शुभ साल था, जो भी काम उठाया। आर्मी में अप्लाई किया, आर्मी में सेलेक्ट हो गए, एयरफोर्स में किया, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए। किसका हाथ पकड़ के आप राजनीति में आ गए? राजनीति में राजीव जी मैं हाथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब मैं स्क्वाड्रन लीडर बन गया था एयरफोर्स में तो रोज़ मुझे एक परेशानी रहती थी। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और घरवाली प्रैक्टिस कर रही थी, एडवोकेट थी, तो मुझे लगता था मेरा परिवार तो ठीक चल जाएगा, मुझे अपने परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेरी हालात से गुजर रहे हैं उनका मैं कुछ करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, रिटायर होकर पेंशन पर अपना जीवन निकाल लूँगा। यही सोचते सोचते मैं इंदिरा जी के यहाँ पहुँच गया। एक दिन 12 विलिंगटन कैसेंट में रहती थी, एक दिन शाम को खबर की गोवा से कहीं से, और ये कहा कि भाई उनको ढूंढो और उनको भरतपुर से चुनाव लड़ाओ। मुझे टेलीफोन आया, अंतले साहब को जनरल सेक्रेटरी थे, कहा आप ACC में आ जाओ। हम स्कूटर पे अपनी घरवाली को लेके पहुंच गए। जब हम नॉमिनेशन कर राजीव जी, वहाँ हज़ारों आदमी इकट्ठे हो गए। जब मैं नॉमिनेशन करने लगा तो कलेक्टर ने लिखा राजेश्वर प्रसाद, शोरा नहीं पायलट है, पायलट लिखो। तो कलेक्टर ने कहा साहब पायलट लिखो, मैंने कहा नाम तो मेरा पायलट नहीं है, हवाई जहाज ही तो उड़ाए हैं। उसने कहा तुम राजेश पायलट लिखो, राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजेश पायलट, और 2 रुपये का एफिडेविट इसमें लगा दो। और 2 रुपये का एफिडेविट लेके उस दिन राजेश प्रसाद की जगह राजेश पायलट हो गया।